कोरोना के चलते हमीदिया में 240 बेड बढ़ाने का कार्य चल रहा है। साथ ही अनुबंधित अस्पतालों में भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही आयुष्मान अस्पतालों में भी चर्चा करके कोरोना का ट्रीटमेंट चालू किया जाएगा। कोरोना की स्थिति के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट को लेकर बोले, आज की स्थिति में 250 से 300% ऐसे ही प्राइवेट अस्पतालों में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए और होम आइसोलेशन मैनेज करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पेशेंट हैं उन्हें उपचार उपलब्ध करा सकें। यह स्थिति कभी भी नहीं रही कि बेड की कमी हो। हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि जितने भी पेशेंट हैं उनसे ज़्यादा बेड की उपलब्धता रहे। यह एक नया इनिशिएटिव है जो IMA के डॉक्टरों ने लिया है। उनके द्वारा हमें कोरोना से लड़ने में सहयोग किया जा रहा है। इसमें होम आइसोलेटेड पेशेंट को कॉलिंग करके जिस तरह हम उनका हालचाल पूछते थे, इसी तरह भोपाल शहर के जो चिरपरिचित डॉक्टर हैं वो लोग आगे आकर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को होम काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी व्यवस्था रखी है कि किसी मरीज को अत्यंत आवश्यकता हो तो उन्होंने कुछ डॉक्टर इसके लिए भी चिन्हित किए हैं जो जाकर उनको काउंसलिंग देंगे। कि अभी तो जितने भी डॉक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन सबके माध्यम से हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से सबको सपोर्ट ऑलरेडी दे रहे हैं। उसमें इनफैक्ट हमारे लगभग 5 से 7 डॉक्टर्स 2 शिफ्ट में हमारे कॉल सेंटर पर लगातार काम करते हैं। और इसके साथ ही जितने भी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ हैं उनमें सभी डॉक्टर्स अभी कार्य कर रहे हैं। सर, तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए NDP ने आप लोगों को निर्देश दिया है, उस पर क्या कर रही है? बाग मुंशी काउंसिल वाला तालाब भी जो है अस्पताल में, उसमें स्पष्ट है NGT ने जो निर्देश जारी किए हैं उनका परीक्षण करके और चिन्हांकन करके जो भी कार्रवाई नगर निगम उसमें करेगा उसमें हम सब लोग साथ मिलकर उस कार्रवाई को अंजाम। सर, दुर्गा प्रतिमा की हाइट बढ़ाने को लेकर के लगातार सामाजिक संगठनों का आप यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, तो उसके कुछ विचार विमर्श हो रहे हैं? देखिए, वो शासन से जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत स्पष्ट हैं और मैं इनफैक्ट आप सभी के माध्यम से सबसे यही अनुरोध करूंगा कि ये समय है ही नहीं इन सब बातों को करने का। कोरोना की परिस्थिति आपसे हमसे किसी से भी छुपी हुई नहीं। रोज़ लगातार लगभग 300 के आसपास मरीज भोपाल में निकल रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं। इस सबको देखते हुए आई एम श्योर कि हम सभी लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सब लोगों को धार्मिक भावनाओं का किसी की आहत ना हो, ये हम सुनिश्चित ज़रूर कर पा रहे हैं। लेकिन किसी भी त्यौहार को बड़े वृहद स्वरूप में या बहुत लोगों को इकट्ठा करके गाइडलाइंस का अपालन करते हुए नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। सर, जिस तरह से कोरोना संक्रमण भोपाल में फैल रहा है तेजी से, संख्या 15,000 के पार हो चुकी है, तो क्या लगता है लॉकडाउन जैसी स्थिति बने भोपाल में? देखिए, अभी लॉकडाउन पे किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन करने से बहुत सारे लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। रादर हम सब लोगों का प्रयास यही है कि जितने भी केसेस आएँ, जितने भी लोग कोरोना से पीड़ित हों, उनको सही समय पे हम व्यवस्थाएं, उपचार और अन्य सेवाएं जो है वो प्रदान कर सकें। थैंक यू। देखिए, जो कोरोना की स्थिति है उस पर लगातार हम लोग उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को भी लगातार सुदृढ़ करते जा रहे हैं। इसी क्रम में हमीदिया में करीब 240 बेड्स बढ़ाने का कार्य हमारा ऑलरेडी चल रहा है। हमारे जो प्राइवेट अनुबंधित अस्पताल हैं उनमें भी हम बेड्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही जितने भी आयुष्मान हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों से भी चर्चा करके बात करके उन सब में भी कोरोना का ट्रीटमेंट हम लोगों के द्वारा शुरू कराया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे बेड्स विद ऑक्सीजन एंड विद ICU एंड विद वेंटिलेटर अवेलेबल हैं एंड ऑफ लेट भोपाल में भी प्राइवेट पेड फैसिलिटीज़ में जाने का रुझान जो है जो बढ़ा है। आज की स्थिति में भी लगभग 250 से 300 पेशेंट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट पेड फैसिलिटीज़ में अपना उपचार करा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए और साथ ही होम आइसोलेशन को प्रॉपरली मैनेज करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि जितने भी एक्टिव पेशेंट्स हैं उन सभी को आवश्यकता अनुसार उपचार और अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। बेड जो बढ़ाए गए हैं जैसे एम्स है, उसी व्यवस्था को किया गया है। पहले से रिक्वायरमेंट आ रही थी कि बेड बढ़ाए जाएंगे कि कई जगह पर जो है मरीजों का बेड नहीं मिल रहा था। देखिए, ये स्थिति कभी भी नहीं रही कि मरीजों को बेड की उपलब्धता ना रहे। हम लोग आगे का प्रोजेक्शन करते हैं और जो हमें लगता है कि आज से 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद संख्या होगी उसके लिए हम आज से ही बेड्स की व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाओं को करना सुनिश्चित कर देते हैं। तो हमारा ये हमेशा मैंडेट रहता है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उससे बढ़कर हमारी बेड्स की एंड अन्य सभी व्यवस्थाएं रहें। सर, होम आइसोलेट लोगों के लिए $50 किया गया है। ये एक नया इनिशिएटिव है जो IMA के डॉक्टर्स ने लिया है। उनके द्वारा हम लोगों को इसमें सहयोग किया जा रहा है, जिसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद भी देता हूँ।
इसमें बेसिकली ये है कि जिस प्रकार से होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को हम लोग कॉल सेंटर के माध्यम से कॉलिंग करके उनका हाल चाल पूछते थे और उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करते थे, इसी तरह अपने भोपाल शहर के जो चिर परिचित और प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं जिन पे के बड़ा सब्सटैंशियल फेथ लोगों का रहता है, वो लोग आगे आकर के टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को कंसल्टेशन की सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी व्यवस्था रखी है कि यदि किसी मरीज़ को अत्यंत आवश्यक हो तो उन्होंने कुछ डॉक्टर्स इसके लिए भी चिन्हित किए हैं कि वो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स को जाकर भी कंसल्टेशन दे पाएंगे। सर, प्राइवेट डॉक्टर ने इसके लिए जो सरकारी डॉक्टर्स को बचाने को लेकर भी काम चल रहा है कि आगे इसी रूपरेखा बनाई जा रही है कि गवर्नमेंट डॉक्टर निःशुल्क। रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।